नया भोजपुर ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब लदे ट्रक को जब्त किया है। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेज दिया गया, जबकि बरामद शराब की कीमत का आकलन किया गया तो यह शराब तकरीबन 1 करोड़ रुपये की बताई जा रही है। माना जा रहा है कि 9 वर्ष के अवसर पर खपाने के लिए शराब की यह खेप लाई जा रही थी। पकड़े गए अभियुक्तों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस उनके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। घटना के संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 922 पर गोपाल डेरा के समीप राजस्थान नंबर 1 12 पहिया ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें भारी मात्रा में शराब लदी हुई पाई गई। तुरंत ही डुमराव SDPO आफाक अख्तर अंसारी को सूचना दी गई और फिर जब शराब की गिनती शुरू की गई तो कुल 745 पेटियों में लगभग 6000 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसका बाजार मूल्य तकरीबन 1 करोड़ रुपये आंका जा रहा है। SDPO आफाक अख्तर अंसारी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार तस्करों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिला निवासी लिखमा राम के पुत्र यशराज तथा मंगाना राम के पुत्र हेमा राम के रूप में हुई है। इन दोनों ने पुलिस के द्वारा पूछताछ में यह बताया है कि यह शराब की खेप वह पंजाब से लेकर पटना जा रहे थे। उनसे यह कहा गया था कि उनसे पटना में जहां कहा जाएगा वहां यह शराब की खेप पहुंचा देंगे। तस्करों ने बताया कि उनसे बार बार फोन कर यह पता लगाया जा रहा था कि वह शराब की खेप लेकर कहाँ तक पहुँचे हैं। उन्होंने वीर कुंवर सिंह चेकपोस्ट पर पुलिस को चकमा दिया और शराब की खेप लेकर आगे निकल गए थे, लेकिन आखिरकार पकड़े गए। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक गाड़ी बलिया होते हुए पटना जा रही है, तो मेरे टीम द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे एक टीम बनाई गई और उस टीम द्वारा एक गाड़ी है संख्या RJ46GA5513, इस पे शक हुआ तो इसको रोक करके इसको चेक किया गया, जिसके ऊपर में भूसा भर करके अंदर में पूरा एम्पीरियल ब्लू का 3 वैरायटी का शराब था। इसमें 750 ml, 250 कार्टून पर कार्टून 12 पीस 2250 लीटर, 775 ml की 246 कार्टून पर कार्टून 24 पीस 2214 लीटर, और 180 ml 249 कार्टून पर कार्टून 48 पीस 2151.3 लीटर, और कुछ खुले बोतल 79 375 ml के खुले बोतल, 180 ml के 42 खुले बोतल, कुल 6652.48 लीटर विदेशी शराब इंपीरियल ब्लू की जब्त की गई। और दो व्यक्ति हेमा राम जो ड्राइवर है, पिता मंगना राम, घर बटाडू थाना गिरिडा जिला बाड़मेर राजस्थान, एवं जसराज पिता लेखमा राम घर बटाडू जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तस्करी का क्या अर्थ है? तस्करी का अर्थ था कि ऊपर में भूसा का ये जो है दे करके बोरा छुपाया हुआ था, छुपा करके ले जा रहा था, लेकिन सूचना मिली और SP साहब द्वारा टीम बनाई गई और टीम के द्वारा रोक के गोपाल डेरा के पास जांच किया गया, उसमें शराब पाया। पूछताछ में क्या बताया सर, कहां से लेकर क्या रहे थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? ये लोग पंजाब से लेकर आ रहे थे और पटना जा रहे थे। कितने लोग शामिल हैं सर इसमें अभी तक क्या? इसमें इनका कहना है कि मुझे बताया गया इस गाड़ी को लेके जाइए और जहाँ कहा जाएगा आप दे दीजिएगा। इन्होंने बताया कि पटना मुझे ले जाना था और मेरा लोकेशन बार बार ट्रैक किया जा रहा था, तो इनका मोबाइल वगैरह जब्त किया गया है, इनके अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। सर क्या लगता है कितनी बार ये लोग लेकर के गए होंगे इस रूप से? अभी तक तो इन्होंने सकारा नहीं है, लेकिन उनका मोबाइल का विश्लेषण किया जाएगा, उससे ज्ञात होगा। शराबबंदी सख्ती से लागू होने का दावा किया जा रहा है, बावजूद भारी मात्रा में शराब पकड़ी जा रही है, क्या लगता है सर, तस्कर नहीं मान रहे या पुलिस की चूक हो रही है? नहीं, तस्कर अपना प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जब भी मामला संज्ञान में आता है तो उसमें जांच की जाएगी और अगर शराब पाया जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर वीर कुंवर सिंह चेक पोस्ट से होकर के ये लोग आ रहे हैं, कई थानों की पुलिस जो है बीच में छूट जा रही है और आकर के डुमराव के भोजपुर में पकड़ा जा रहा है, क्या लगता है कि सर शराब के खिलाफ जो आप लोग अभियान चला रहे हैं उसमें जो कहीं ना कहीं जो कमी है वो पुलिस की चूक है वहां पर बक्सर में? नहीं, इसे चूक नहीं कहेंगे, सूचना जिससे जो प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके पहले ब्रह्मपुर में भी पकड़ा गया था सर? हाँ, तो वहाँ भी सूचना प्राप्त हुई, हमने कार्रवाई किया। सर चेक पोस्ट पर जो है पुलिस की लगातार जांच चल रही है, बावजूद इतनी बड़ी ट्रक जो है वहाँ से निकल जा रहा है। हाँ, इन लोग अपना कोई तरीका अपनाते होंगे चकमा दे के निकल, लेकिन सूचना मिलने पे
मेरे द्वारा जांच की जाती है, अगर पाया जाता है तो कार्रवाई तो होती है।